कॉन्स्टिट्यूशन कुरान और होली कुरान और सुन्ना है। तो अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन होली कुरान और सुन्ना है और उसके बाद आपने अपना ये नेशनल असेंबली भी बनाया हुआ है, तो जो भी आदमी होली कुरान और सुन्ना को जानता है वो अगर ये कह दे कि नेशनल असेंबली से बना हुआ लॉ कुरान के अगेंस्ट में है, तो उस लॉ की कोई वैल्यू नहीं है। अब आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ, हमारे यहाँ देखिये क्या हिंदुओं में क्या था, हमारी जो संस्कृति है उसमें शादी जो थी वो एक इनडिसॉल्यूबल कॉन्सेप्ट था। मैरिज का मतलब था कि यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉर एवर। दे डिड नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स, तलाक का कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता था। तो हमारे यहाँ क्या हुआ, 1956 में हमारी सरकार ने, हमारे पार्लियामेंट ने एक लॉ लाया, उसको कहते हैं हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू मैरिजेस एक्ट में उन्होंने कहा कि अब हिंदुओं में भी तलाक होगा। हमारे लोग बाहर आए, उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं है, आप कैसे लॉ बना रहे हो, आप हमारे वैदिक लॉ में इंटरफेयर कर रहे हो। लेकिन पार्लियामेंट ने कहा नो नथिंग डूइंग, हमने लॉ बना दिया, अब आपका वैदिक लॉ में अगर इंटरफेरेंस है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास लॉ बनाने की असीम शक्ति है। क्या आप ऐसा लॉ कोई बिल्कुल बना सही सकते हैं? आपकी पार्लियामेंट कोई सर। ऐसा लॉ बना सकती है? नहीं बना मतलब सकती ये कि इसी वजह से हम आगे नहीं चल पा रहे हैं। भाई। जमहूरिया आएगा कहां से? जब आप इस्लाम में से पॉलिटिकल पावर निकालेंगे तभी जमहूरिया बनेगा, जिसको सेक्युलराइजेशन कहते हैं। सेक्युलराइजेशन ला दीनियत को नहीं कहते हैं, सेक्युलराइजेशन का मतलब ये होता है, चूंकि कुरान या बाइबल इन किताबों की खास बात यह है कि ये इंसान के जीवन के हर अंग को, हर ट्रांजेक्शन को गवर्न करती हैं। तो फिर उसमें यूरोप में क्या हुआ कि यूरोप ने इस बाइबल में से पॉलिटिकल पावर निकाल दिया, और जो पॉलिटिकल पावर निकाला उसी से संविधान बना, उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस कहते हैं। तो अब आप बिल्कुल सही जब तक आपके यहाँ के लोग ये नहीं मानेंगे कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तक आपके यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम चलती रहेगी। क्योंकि आप क्या पावर कौन है, मतलब ये पार्लियामेंट पावरफुल है या मौलाना मुफ्ती साहब है पावरफुल है? वो कह देंगे कि ये लॉ तो इस्लाम के अगेंस्ट में है, लोग आकर के उस लॉ को फाड़ के फेंक देंगे कि इस लॉ को मानते ही नहीं है। जब लॉ को मानोगे नहीं तो वो लॉ कहाँ से रहा? लॉ तो तभी होगा ना जब वो आपको, आप उसको मानो, आप उसके ऊपर एक्शन लो, आप उसके ऊपर बिहेव करो उसके अकॉर्डिंगली। तो पॉइंट ये कि आप क्या, इतने पावर से इतनी कंफ्यूजन है थ्योरिटिकल, और हर चूंकि लोग या तो पढ़ते नहीं है या तो समझना नहीं चाहते या उन्होंने अपने ब्रेन पे ताले लगा दिए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की शुरुआत का फर्स्ट स्टेप है सेक्युलराइजेशन, दैट मींस टेकिंग अवे पॉलिटिकल पावर फ्रॉम द रिलीजियस बुक एंड कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ह्यूमन मेड गवर्निंग डॉक्यूमेंट, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा? अरबों का कॉन्स्टिट्यूशन तो कुरान हो सकता है, पर इंडियंस का कॉन्स्टिट्यूशन कुरान कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। तो मैं फिर से आपसे बात कर रहा हूं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फ्लॉड बुक। ये जब तक रहेगा तब तक आपके यहाँ पे यही खाना जंगी, ये पावर वो पावर यही सही रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक के पास पावर ही नहीं है, सबके पास थोड़ा 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 पावर दे दिया, और सब अपने पावर को जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा पावर आपके यहाँ उसी के पास होगा जो कुरान और सुन्ना को समझने का दावा करेगा, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़ा है। और कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी डॉक्यूमेंट को आप तभी कहेंगे जब वो उस देश का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वैदिक जो डॉक्यूमेंट है उससे भी बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चाहे तो वैदिक प्रोविजन को अमेंड कर सकता है, तब आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर आप बिल्कुल कह सकते हैं तो वो डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के, उसका नाम आप जो और रखते। हमारा टॉपिक एक तरफ से था, हम दूसरी तरफ निकल गए हैं। हमारा टॉपिक जो था वो इजिप्ट के हवाले से था नहीं, अभी। मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ, आपको क्षमा चाहूंगा, नहीं दूसरी तरफ नहीं लिख ले, मैंने आपको इजिप्ट का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के सुनाया। आप इजिप्शियन जी बने तो इजिप्शियन चीख चीख के चिल्ला रहा है कि आई एम इजिप्शियन, हमारी हजारों हजारों साल की संस्कृति है, आप अपनी बिल्कुल सही संस्कृति बात है। को पीछे दबाने पे तुले हुए हो। तो आप कह रहे हो कि इजिप्शियन क्यों? बिकॉज इजिप्शियन जब इंडियंस को देखता है तो दो सिविलाइजेशन बात करते हैं, वो भी समझते हैं कि ये हजारों हजारों साल के हैं और हम भी हजारों हजारों साल से हैं। हमारा इजिप्शियंस के साथ, इराकियों के साथ ट्रेड कोई इस्लाम के पहले, इस्लाम के बाद नहीं शुरुआ। हमारे अरबों के साथ प्री इस्लामिक है भाई, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन के समय में ट्रेड हुआ करते थे। अरब यहाँ आते थे, हम वहां जाते थे, क्योंकि लोगों को शिप तो आती थी ना, लोग एक दूसरे का कॉमर्स और ये सब थोड़े बंद कर दिए थे। आपको सिक्के मिलते हैं जो हड़प्पन वैली के सिक्के आपको मेसोपोटामिया में मिलते हैं और उधर के सिक्के हमारी तरफ मिलते हैं, तो वही ट्रेड बिल्कुल जो था ना, सही। वो हमको देखते हैं कि ये भी यार हजारों वर्ष के सिविलाइजेशन वाले लोग हैं। वो कहते हैं ना तेरी दौलत अभी नई नई है, हम तो खानदानी रईस हैं, तो ये दो खानदानी रईस बात कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं? तो वो इस तरीके से देखते हैं इंडिया को। बिल्कुल सही। अभिषेक भाई
आपने जो बात की है सिक्कों की, तो वहां पर मुझे सिक्के भी मिले थे वहां पर और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मैंने अभी तक रिवील नहीं किया और ना बताया ऑडियंस को। यकीन करें कि बहुत यूनिक यूनिक चीजें मुझे वहां पर दिखने को मिली और बड़ा मजा आया देखकर। तो अभी इजिप्ट और इंडिया के दरमियान रिलेशन बेटर हो गए हैं, तो रिलेशन तो पहले से बेटर थे, अभी वो नई सोचे नई मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का एक जो स्पीच है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी वो पढ़कर वो पहले वीडियो चलाई, उसके बाद उसके ऊपर अपने रिएक्शन दिया, और बड़े बड़े टीवी चैनल्स भी इस बात पर अभी पिट रहे हैं। हाँ, तो अपने सर को अपने हाथ सरों को मार रहे हैं, पर पछताए क्या जब चिड़िया चुगी खेत। वो इस स्पीच के हम अब पाकिस्तान के झांसे में पाकिस्तान और के पाकिस्तान के दरमियान बातें नहीं करेंगे, हम अपनी डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। जो नरेंद्र मोदी का श्राज था, जो उनका थॉट थी, वो स्पीच पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके बारे में बताइएगा कि आप लोग की एज अ इंडियन क्या सोच रखते हैं इस स्पीच के बारे में, जब आप सुनते हैं और इस तरह के स्पीच जब आपके प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की जाती है वर्ल्ड वाइड के अंदर, तो आपको एज अ इंडियन कैसा फील होता है? और इस तरह के स्पीचेस देना आम लोग की बात है या फिर खास लोग इस तरह के स्पीचेस करते हैं? जी बताइएगा इस बारे ये में। देखिए, छाती चौड़ी होती है, सच बात है। मैं जब यूरोप में था ना, तो जर्मनी, जब मोदी जी का राज शुरू हुआ था, मुझे ये हीट फील होनी शुरू हो गई थी कि वर्ल्ड, यूरोप इसको रिकॉग्नाइज कर चुका था कि कोई लीडर आया है और इसके अंदर दम है। अभी ना, मेरे आपको फोन करने से पहले ना, मेरे एक ग्रीक प्रोफेसर है, मेरे मेरे साथ काम करते थे, ग्रीस से है, एथेंस से, तो उनसे बात जी हुई थी। जी उनके अभी इलेक्शन हुआ है, तो उनके जो हम लोग पॉलिटिकल चर्चा कर रहे थे अभी, तो उन्होंने बताया कि उनके होम मिनिस्टर से या उनके फॉरेन मिनिस्टर से उनके टीवी चैनल पे पूछा गया कि एक बात बताइए, इस समय दुनिया का बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर कौन है और लीडर कौन है। उसने कहा, बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर दुनिया का एस जयशंकर है और बेस्ट लीडर है मोदी। मोदी इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। ये जबरदस्त, ग्रीक क्या आदमी कह बात रहा, और वो मुझे फोन पे है बताए। तो आपकी छाती चौड़ी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अच्छा, बिल्कुल सही देखिए, बात एक है, बिल्कुल सही बात। बात और भी समझनी पड़ेगी। इंडिया की कहानी आपकी कहानी है, हमारी कहानी पाकिस्तान की कहानी है, हमारी कहानी सही बात दुनिया है, की कहानी है। हम अलग नहीं सही मानते बात है, किसी। तो जब अगर सही हम बात, ग्रो हो रहे हैं ना, तो आपको फील होगा कि हम भी ग्रो हो रहे हैं। ये तो जब सही बात है, नहीं, आपको फील बुरा तब होगा जब हम तो ग्रो कर जाए और आपको अपने पैरों के नीचे रखें, तो आपको लगेगा यार हम दबे कुचले लोग हैं। लेकिन जब हम सही ग्रो बात, करेंगे, तो हम, अगर आप एक नॉर्मल स्टेट बनते हैं, तो भाई आप देखिए इस्लामिक वर्ल्ड के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है। सीरिया की मदद हिंदुस्तान हर समय करता है, पिछले 10 साल से वो खाना जंगी में, और लगातार उनकी मदद की जाती है हमारी तरफ से। उनको मेडिसिन जाता है, उनको अन्न जाता है, खाद्यान्न जाता है, बहुत कुछ जाता है। ये तालिबान, आप हर समय देखेंगे उनको, इतना मीट्रिक टन गेहूं गया, इतना मीट्रिक टन मेडिसिन गया, ये गया, हर बार दिया जाता है उनको। जी बिल्कुल, इराक, हम हमेशा हेल्प करते हैं, तुर्की की हेल्प हम हमेशा करते हैं, हमने दुनिया की हेल्प करी। हम ये नहीं कहते कि तू हमारे, और हेल्प करने के बाद हम कंडीशन नहीं रखते कि बदल जाओ या ये छोड़ दो या हमें कश्मीर दे दो। हम जाते हैं, हेल्प करते हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगाते, आपकी जैसी मन आप वैसी रहिए। इंडिया की कहानी दुनिया की कहानी है, इसीलिए मोदी जी को वर्ल्ड गले लगाता है, लोग पैर छूते हैं, बिल्कुल सम्मान सही से। बात है, मैं या एग्री तो कर रहा हूं आपकी इस बात से। आप किसी के कनपट्टी पे गन लगा के कहो कि मुझे सम्मान दो, या तो आप किसी के लिए ऐसा करो कि वो सम्मान, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, इधर यू कमांड रिस्पेक्ट और यू डिमांड रिस्पेक्ट। मोदी जी बिल्कुल कमांड रिस्पेक्ट बिकॉज ही इज अडोर्ड। सब लोग उनसे जुड़ जाते हैं, सबको लगता है यार ये आदमी बिल्कुल मेरा भी विकास करेगा। और उनकी, बिल्कुल सही बात है। फिलॉसफी क्या है? और जिस सबका तरह से विकास। अभी की चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह से तारीफें हो रही है भाई, मैं तो हैरान हूं कि काश के हमारे पास भी कोई इस तरह का लीडर हो जो कि हमारी नुमाइंदगी करे वर्ल्ड वाइड के अंदर जाकर, और हमारा भी सीना चौड़ा हो जिस तरह से हिंदुस्तानियों का होता है। भाई आप लोगों को यकीन करें कि ऐसे लीडर सालों में नहीं सदियों में पैदा होते हैं, जिस तरह के अभी। मैं यकीन करें कि मैंने रिसर्च की नरेंद्र मोदी के हवाले से, जो पीएम नरेंद्र मोदी है उनके हवाले से रिसर्च की, तो यकीन करें कि मैं हैरान हैरान रह गया यार कि इस तरह का कोई बंदा भी हो सकता है क्या। और यकीन करें कि हम पुरानी हिस्ट्री पढ़ते थे कि महाराजाओं की, कि यार इस तरह के होता था बंदा, इस तरह का महाराजा आया कि जिसने दुनिया की सिविलाइजेशन को चेंज कर दी, वो है नरेंद्र मोदी। यकीन करें कि आप लोगों को बहुत खुशकिस्मत है इस तरह का लीडर मिला है, बहुत नहीं, जबरदस्त। मैं एक चीज कहूंगा, देखिए, खुशकिस्मत सिर्फ हम नहीं, क्योंकि हम आपको अपने से पराया नहीं मानते, हम बिल्कुल आपको सही अपना ही बात, मानते हैं।
ठीक है ना, तो मैं फिर वही कहूंगा, मोदी जी की पार्टी का जो लाइन, या मोदी जी का लाइन है, बीजेपी का तो ना कहे, मोदी जी का जो लाइन है, सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ में आप ही हैं भाई, हम आपको कैसे, देखिए मानने की बात है ना, मोदी जी गुजराती है, मैं हिंदी वाला हूं, ये तो मानने की वजह ना, हम उनको अपना मानते हैं, इसलिए वो मेरे प्राइम मिनिस्टर है। अगर पाकिस्तान के लोग अपनी बिल्कुल कल्चर और हिस्ट्री को मान लें, तो मोदी जी आपके प्राइम मिनिस्टर है, वो आपकी बातें कर रहे हैं, हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर, हमारे हेरिटेज की बातें कर रहे हैं, तो मानने की बिल्कुल बात सही है बात, ना। तो सही आप बात है। जैसे आप अरबों को अपना लीडर मानते हैं, तुर्कों को अर्तुगरल से प्यार करते हैं, हालांकि आपसे कोई लेना देना नहीं है, ना भाषा उसकी, ना खान पान उसका, भाई तुर्क तो घोड़े खाते हैं, आप घोड़े खाएंगे, आपके घोड़े खुल जाएंगे घोड़े खाने में। पॉइंट सही बात ये है कि है। आप माने तो अपना, जिस दिन मान लेंगे कि ये सिविलाइजेशन एक थी, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो जो है वो हरियाणा पंजाब करथल कहाँ कहाँ तक, गुजरात तक फैला हुआ है, लोथल में, सही बात है, आप मान सही लेंगे बात तो है। मोदी जी में आपको भी अपना ही लीडर दिखेगा, बात तो मानने की है बस। और मैं आपको बताऊं कि गिलगित के बारे में ना एक रिसर्च की गई, वहां पर कुछ लोग ना हमारे कोई लोग है वहां पर अपना एक घर बना रहे थे। घर बनाते बनाते ना उन्होंने सीवरेज लाइन निकालनी थी। सीवरेज लाइन को जब खोदा गया ना, तो यकीन करो कि सीवरेज लाइन पुराने जमाने की, ये कोई हजारों साल पुराने की सीवरेज लाइन थी, और वो आज की जदीद जो सीवरेज लाइन्स है ना उनको मात देती है। इतनी वसी, और उस इलाके के अंदर रिसर्च की गई, बाहर से अंग्रेज लोग भी आए थे, उस इलाके को रिसर्च किया गया। उन्होंने बताया कि ये जो से गिलगित की जो सिविलाइजेशन है यहाँ पर बताती है। और मैंने जैसे आपको बताया कि वहां पर सिक्के भी मिले, सिक्कों की तस्वीर भी मेरे पास पड़ी हुई है, वहां पर जो संस्कृत जुबान में लिखी हुई है वो भी पड़ी है, और दीवारों के अंदर मूर्तियां बनी हुई है, प्रॉपर नजर आ रही है। और वो अंग्रेज ने बताया कि भाई यहां से लोगों की जिंदगी का शुरुआत हुआ है, और यहां से मजहब निकला है हिंदुइज्म। और यकीन करो कि वहां के लोग इस चीज को मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन उस अंग्रेज ने जिस तरह बताया कि मेरी हजारों साल की रिसर्च है, वो वीडियो भी मेरे पास पड़ी है, लेकिन कुछ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से वो वीडियो मैं दिखा नहीं पाऊंगा आप लोगों को। तो खैर ये मैं बता रहा हूँ ऑन द कैमरा, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बता रहा हूँ ये चीजें। और उसने बताया कि हिंदुइज्म आज से नहीं है, कोई 70,000 साल, पता नहीं कितने साल, उन्होंने कहा दुनिया बनने के साथ ही ये मजहब भी चलता हुआ आ रहा है। तो ये तो यकीन मजहब करें नहीं है ना, जानकर ये तो ना एक फिलोसफी है, खुशी भी हुई कि भाई अब हिस्ट्री पता चल गई अपनी। बस अपनी, ये आपने कहा ना, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारी आपकी हिस्ट्री एक है, हम आप एक हैं। ये तो, अरे भाई, ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी भी अलग हुए थे, पर हो गए ना, जर्मन तो थे ना, हम सब भारतीय हैं, बात तो खत्म हो गई। अब बिल्कुल सही, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आप जैसे यंग बच्चे आए हैं, मुझे बहुत उम्मीद है आप जैसे लोगों से, बस अपनी आइडेंटिटी, भाई पॉलिटिकल रियलिटी चलती रहेगी, हमारे यहाँ इतने स्टेट है, दो स्टेट और भी रहेगा, उनका उनका नाम रहने दे, क्या दिक्कत है, हम तो मानने से इकट्ठे होते हैं ना, कौन सा, हम गुजरात में जाके रहते हैं, गुजराती खाना खाते हैं, हम तो अपना ही खाना खाते हैं। तो आपकी बात सुन के बिल्कुल मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं यही उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो वायरल हो और ज्यादा से ज्यादा लोग देखे, मुझसे ज्यादा आपको सुने। बिल्कुल सही भाई, बहुत शुक्रिया आपका मुझे टाइम देने के लिए। और यकीन करें 28 मिनट हो गए, मुझे तो पता ही नहीं लगा टाइम का, क्योंकि जब एक हिस्ट्री जानने वाले बंदे दो को हिस्ट्री मालूम हो, मुझे तो खैर इतनी मालूम नहीं, आपको जितनी हिस्ट्री के बारे में आपने मुझे जानकारियां दी, यकीन करें तो मैं तो पहले से ही आपका बहुत बड़ा फैन था, और मजीद आपने मुझे अपने फैन बना लिया है। तो इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं, तो इख्तिताम से पहले अगर कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को, अगर कोई पैगाम है आपकी तरफ से तो वो जरूर दें, ताकि आपके पैगाम से चंद लोगों की जिंदगी बदल सकती है। इतना कहूंगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, आप अपनी कल्चर और रिलीजन में अंतर करना सीख जाइए, जैसे मैंने आपको